फाइव बिग मिस्टेक्स फॉर अर्ली बियर्ड प्रॉब्लम। अगर आपकी भी कम एज में ये जल्दी दाढ़ी आ गई है तो वो रीज़न क्या होता है? ऐसी आप कौन कौन सी गलती करते हो, मिस्टेक्स करते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए, और अगर आपने की है तो फिर उसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहुत से लोगों की जल्दी दाढ़ी आ जाती है, तो वो कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से जल्दी या कम एज में दाढ़ी आ जाती है। तो मैं आपको पांच ऐसी गलतियां बताने वाला हूं, अगर आप इन पांचों में से एक भी गलती करते हो तो आपकी दाढ़ी कम एज में आनी चालू हो जाएगी, फिर आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगी और फिर बहुत सारी कमेंट्स भी आपको सुनना पड़ेगी। चाहे आपके टीचर आप पे कमेंट मारे कि भाई तेरी कम एज में या फिर जल्दी दाढ़ी आ गई, या फिर आपके घर वाले भी या फिर आस पड़ोस के फैमिली मेम्बर्स कोई भी रिश्तेदार वगैरह कुछ भी कमेंट मारने लग जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे आप ऐसी कौन सी गलतियां करते हो, पांच गलतियां गिनाने वाला हूं। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो होते हैं कम एज में दाढ़ी पे ब्लेड चला लेना। अगर आप भी कम एज में आपके फेस पे बाल आ रहे हैं और आपने गलती से ब्लेड से लगा ली तो आपकी जल्दी दाढ़ी आने लग जाएगी और मोटी दाढ़ी हो जाएगी, यानी कम एज में आपकी दाढ़ी आने की शुरुआत हो जाएगी और आप इसको प्रॉब्लम बोल सकते हैं कि भाई मेरी कम एज में दाढ़ी आ गई है। तो आप सोच समझ के, आप अच्छे अच्छे वीडियोस देखें और पूरा नॉलेज लेके ही, आप अगर फर्स्ट टाइम दाढ़ी को सेव कर रहे हैं, दाढ़ी को काट रहे हैं, तो आप सोच समझ के काटें, नहीं तो आपकी दाढ़ी जल्दी से और तेज ग्रोथ होने लग जाएगी। तो पहले जो प्रॉब्लम होती है वो जल्दी सेविंग करना है, पर जल्दी आपकी दाढ़ी को सेव करना होती है। सेकेंड की बात करते हैं, सेकेंड प्रॉब्लम जो अक्सर लोग फेस करते हैं, मॉइस्चराइजर क्रीम्स यूज़ करना। आजकल कम एज के बच्चे गोरा होने के लिए क्रीम्स यूज़ करते हैं, चाहे वो फेस क्रीम हो, मेडिकल क्रीम हो, कोई भी क्रीम हो, आप पिंपल्स को रिमूव करने के लिए, फेस को गोरा करने के लिए या अच्छा दिखने के लिए आप मॉइस्चराइजर क्रीम्स, मेडिकल क्रीम्स यूज़ करते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे आपके फेस पे बाल आते हैं, साइड इफेक्ट करती है, जिससे कि आपके पूरे फेस पे बाल आने के चांसेस हो जाते हैं और उसको आप दाढ़ी आना बोल सकते हैं। अगर आप कोई सी भी क्रीम यूज़ कर रहे हैं आपके फेस पे तो आपको वो क्रीम यूज़ नहीं करना चाहिए। थर्ड कमेंट की हम बात करें, कम एज में बियर्ड ऑयल्स लगाना। अगर जो दाढ़ी उगाने वाले तेल होते हैं, अगर आप उसको वो लगाने लग जाते हैं, बहुत से लोग सरसों का ऑयल लगाते हैं, बहुत से लोग कोकोनट ऑयल लगाते हैं, कोई सा भी अगर आप आपके फेस पे ऑयल लगाते हैं तो उससे भी आपके फेस पे बाल आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप ये सब करते हो तो आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती ही चली जाएगी। फिर बात करते हैं कि भाई आप कम एज में ही मैस्टरबेट, तंबाकू वगैरह ये सब खा लेते हो या फिर करने लग जाते हो, यानी आपकी गंदी आदतें जो होती है वो आपकी दाढ़ी आधी अधूरी उगा देती है, यानी ना वो पूरी होती है ना वो कम होती है, यानी आपके फेस पे बाल आ जाते हैं लेकिन वो उस तरह की ग्रोथ नहीं हो पाते, आपके फेस पे बाल आके रह जाते हैं और आपकी हाइट की प्रॉब्लम्स भी सामने आती है। तो जो भी आप काम कर रहे हो, आप चाहे गंदे काम कर रहे हो, सही काम कर रहे हो, आपकी लाइफ, आपका जो डाइट रूटीन है उसको, जो डाइट रूटीन है आपको, कैसे डाइट खाना है, कैसे क्या कुछ खाना है, आप हेल्दी खाना खाएं, हरे पत्तीदार सब्जियां, आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को इंक्रीज करके रखें, जिससे आपको आगे ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अब बात करते हैं मेन प्रॉब्लम की, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। आप कोई सी मेडिसिन कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं लंबे समय से, अगर आप कोई गोली दवाई खा रहे हैं तो वो आपकी कम एज में दाढ़ी उगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको ये प्रॉब्लम्स बन जाएगी। यानी आप कम एज में कंटिन्यू कोई, मतलब कि आप बोल सकते हैं नशीली चीज़ खा रहे हो या फिर आप टेबलेट कैप्सूल, या आप लंबे समय से बीमार हो, तो आपकी कम एज में फेस से बाल निकलने की प्रॉब्लम्स ज़रूर सामने आएगी। तो ये चार पांच प्रॉब्लम्स होती है जो अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी दाढ़ी कम एज में आ जाती है। आप अगर दाढ़ी नहीं उगाना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपके फेस से बेसन का लेप लगाना है। आप चाहो तो हर दिन लगा सकते हो, आप चाहो तो हफ्ते में एक दो दिन लगा सकते हो, लेकिन बेसन का लेप पानी में मिक्स करके दो चम्मच बेसन उसको आपकी दाढ़ी पर लगा के 5 मिनट तक सूखने दे और सूखने के बाद हाथ से निकाल ले, वो ट्रीटमेंट सही रहेगा। बाकी आप कोई सा भी ट्रीटमेंट्स करोगे तो आपकी दाढ़ी 100% आएगी कम एज में, जो कि हो सकता है आपकी हाइट भी रुक जाए, हो सकता है लोग आप पर कुछ उल्टी सीधी कमेंट्स भी मारें, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेगी। बट आप बेसन का लेप लगा के आपकी दाढ़ी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। 18 साल से कम वाले लोग दाढ़ी उगाने के लिए कोई सा मेडिकल ट्रीटमेंट्स यूज ना करें। मैं आपको एक बार और बता दूं, मेडिकल ट्रीटमेंट्स आपको नहीं करना, होम ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। आइए, भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन आपको मिल गया होगा, तो आपको ये वीडियो लाइक करना है, कमेंट करना है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज, यू अगेन।